14 सितंबर 2024, स्वागत है दोस्तों आपका एक नई वीडियो के अंदर। अभी हम लोग हैं मनाली के मॉल रोड से केवल 2 किलोमीटर दूर। ये जो आपको जंगल दिख रहा है ये एक्चुअली हडिम्बा देवी का डोंगरी वन विहार है। हडिम्बा देवी टेम्पल यहाँ का सबसे फेमस टेम्पल है और यहाँ पे अभी हम लोग आए हैं। तो आज लोकल साइट सीन क्या क्या आप लोग कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, ये सारी जानकारी देंगे। उसके अलावा जो वोल्वो बसेज वगैरह है, आज सुबह काफ़ी दिक्कतें रही है, ये जितने भी दिल्ली से बसें चली थी मनाली वो लगभग लगभग 8 से 10 घंटे लेट पहुंची है, तो वो भी सारी की सारी जानकारी आपको देंगे। अभी जिस जगह पे मैं हूँ ये है देवी सरोवर, इसको बोला जाता है, हडिम्बा देवी को माना जाता है यहाँ की कुल देवी, तो इनका सरोवर है यहाँ पे। और इसके अंदर जो है जूते पहन के जाना अलाउड नहीं है, आप आस पास जो है ऐसे जा सकते हैं, बाकी अगर अंदर जाते काफी पवित्र स्थान है। इनको जो है हडिम्बा देवी जी को यहाँ की कुल देवी माना जाता है और ये मंदिर पड़ता है मॉल रोड से केवल 2 किलोमीटर दूर। आप लोग अपनी गाड़ी लेके भी आ सकते हैं, ऑटो वगैरह भी केवल रहता है यहाँ से 100 से 150 रुपए चार्ज, तो ऑटो वगैरह भी आप लोग ले सकते हैं। और जितने भी यहाँ पे साइट सीन है, सबसे मेन साइट सीन आता है हडिम्बा देवी टेम्पल। तो अभी मैं आपको मंदिर के अंदर भी लेके चलता हूँ, मंदिर दिखाते हैं, उसके बाद और भी जो जो पॉइंट्स आप लोग इसके आसपास में कर सकते हैं वो सारे भी दिखाएंगे। तो ये लकड़ी का गेट आता है मॉल रोड से लगभग 1 किलोमीटर चलने के बाद। इस गेट से सीधा आप जाएंगे तो ओल्ड मनाली का रास्ता गया और लेफ्ट में जाएंगे तो हडिम्बा देवी टेम्पल। बाकी आप लोग जो है सीधा जाके भी, हडिम्बा टेम्पल के कई गेट है तो सीधा जाके भी आ सकते हैं, बट हम कोशिश करेंगे इधर से जाने की, जिससे जो है आपको दोनों रूट का आइडिया हो जाए। तो हम चलते हैं यहाँ से हडिम्बा देवी टेम्पल की ओर। लगभग 2 किलोमीटर के आसपास पड़ेगा हडिम्बा टेम्पल मॉल रोड से। पैदल भी आप लोग जा सकते हो, नहीं तो गाड़ी ले लो, ऑटो वगैरह वाले भी 100 से 150 रुपए लेते हैं मॉल रोड से हडिम्बा देवी टेम्पल को छोड़ने के। और हो सकता है आपका होटल आसपास ही हो, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लोग आए हैं, लेफ्ट में ईशान होटल है और ईशान होटल के साथ ही ये गली जाती है। इसमें एक मंदिर है सियाली महादेव मंदिर, तो महादेव जी का मंदिर है काफी सुंदर। और ये सामने ब्रॉडवेज होटल है, तो इधर से हम लोग जाएंगे अभी हडिम्बा टेम्पल की ओर। तो ये है देवी सरोवर और यहाँ पे जूतों के साथ जाना अलाउड नहीं है। और ये देख सकते हैं आप कितना सुंदर सा ये जो है सरोवर है यहाँ पे, और इसके आसपास के पेड़ देख सकते हैं, काफी घना यहाँ पे जंगल है। ये देखिए भाई बहुत मजा आता है और बिल्कुल शांति यहाँ का माहौल रहता है। तो अभी यहाँ पे हम लोग छोटा सा वॉक ले रहे हैं और हमारे साथ है बेफिक्रा ओवरलैंडर जो कि पेड़ों के पीछे छुपे हुए हैं। जाने क्यों सर मार रहे हैं ये? नहीं भाई शर्म कोई नहीं आ रही है, भाई काम कर रहा था तो इसके काम को क्यों डिस्टर्ब करना। मैंने कहा भाई को ही करने दो, मैं डॉग के साथ था जब तक। तो ये दैया भाई थे इस कालू के साथ बिजी। तो अभी हम यहाँ से लेके चलते हैं आपको हडिम्बा देवी टेम्पल, जो कि बस पैदल ही है और ये डूंगरी वन विहार के आ पार्ट है, तो उसकी एंट्री भी रहती है 10 या 20 रुपए पर पर्सन रहता है। हम लोग तो बैक साइड से आए थे अभी क्योंकि उधर थोड़ा सा काम था, गाड़ी की पार्किंग भी वहीं करी है। तो यहाँ से हम जा रहे हैं अभी मंदिर के साइड में और वहाँ पे आपको बताएंगे। और ये काफ़ी पवित्र इसको माना गया है इस जगह को, और यहाँ पे बहुत सारे फोटोग्राफर भी रहते हैं, तो आप लोग यहाँ पे फोटोग्राफी वगैरह करवा सकते हैं। और ये देखिए यहाँ पे साइन बोर्ड भी लगा रखे, यहाँ पे जो है साफ सफाई का आप लोग ध्यान रखें, फाइन भी लिया जा सकता है अगर आप यहाँ पे कचरा वगैरह फैलाते हो। और नशा वगैरह तो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं करना जब भी आप आते हैं। और ये वन विहार डूंगरी का पार्ट है, ये देखिए यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है, तो ये है वन विहार डूंगरी का पार्ट। और यहाँ पे ये देखिए महाभारत काल में माता हडिम्बा जो है इस सरोवर में स्नान के लिए आया करती थी, और उसके बाद स्नान करने के बाद एक अनलिमिटेड टाइम के लिए तपस्या में लीन हो जाती थी। तो ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे स्नान वगैरह करने से शारीरिक कष्ट वगैरह भी दूर हो जाते हैं, और जिन महिलाओं को स्नान नहीं होती तो यहाँ पे स्नान वगैरह करके उनको जो है संतान की प्राप्ति भी होती है, तो ऐसा कुछ इसके बारे में मान्यता है यहाँ की। तो अभी हो जाए थोड़ा सा वॉक, तो जहाँ पे नॉर्मली क्या होता है कि मॉल रोड वगैरह या मंदिर के आसपास काफ़ी टूरिस्ट होते हैं, यहाँ पे बहुत मज़ा आता है, खूब सारा सुकून यहाँ पे मिलता है। और ये वॉक जो है सबसे अच्छा होता है, कोई भी आप एक्सरसाइज करें बट जो वॉक रहता है जॉगिंग वगैरह या वॉक, ये सबसे सिंपल भी होता है और सबसे ज़्यादा फायदे इसके होते हैं। और यहाँ पे तो बहुत मज़ा आ रहा है पेड़ों के बीच में चल चल के, काफ़ी अच्छा यहाँ पे अनुभव होता है।
ये है कि जिनके होटल हडिम्बा देवी के आसपास हैं तो वो लोग यहाँ पे वॉक के लिए आ सकते हैं सुबह शाम, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। और जिनके होटल बिल्कुल मॉल रोड पे या ओल्ड मनाली की साइड है, तो ऐसे तीन वन विहार है यहाँ पे, एक डूंगरी वन विहार जो कि हडिम्बा देवी टेम्पल के पास है, और एक है मॉल रोड से शुरू होके ओल्ड मनाली पे खत्म होता है जिसके अंदर बहुत सारे बर्ड्स भी रखे हुए, तो वो भी काफी अच्छा। तो अगर आप ओल्ड मनाली के पास रुके या मॉल रोड के पास तो आप वहां पे जा सकते हैं। और एक है बिल्कुल जो है तिब्बतन मोनेस्ट्री वाली गली के सामने, तो टोटली तीन वन विहार है, और तीनों में आके इतना अच्छा लगेगा, जहाँ मॉल रोड पे इतना सारा ट्रैफिक होता है, इतनी भीड़ होती है, तो यहाँ पे आके एकदम शांति का आपको अनुभव होता है। तो दैया साहब भी यहाँ पे जो है घर बार से दूर शांति की तलाश में आए हैं, और ये वीडियो घर वालों को तो बिल्कुल भी शेयर ना करना, ऐसा ना हो फिर दैया भाई को डांट पड़े घर जाने के बाद। तो जब इसके अंदर आप आते हैं तो यहाँ पे पीने का पानी है, देवी का तालाब है जो हमने दिखाया, पीछे शूटिंग पॉइंट भी है, बहुत सारे सॉन्ग्स मूवीज वगैरह की शूटिंग यहाँ पे हो चुकी, और जितने भी लोग कपल वगैरह आते हैं तो वो वहाँ पे फोटोग्राफी वगैरह करवाते हैं। ये कुछ झूले हैं जहाँ पे आपके बच्चों का मन बहल जाएगा इस जंगल के बीच में, और जब बच्चे झूल रहे होंगे तो उस दौरान आप यहाँ पे कैफ़े है एक, ये देखिए ये कैफ़े है, तो यहाँ पे आप लोग खाना वगैरह खा सकते हैं, काफ़ी अच्छा आपको लगेगा। तो अभी तो क्लोजिंग टाइम हो चुका है, टूरिस्ट ज़्यादातर जा चुके हैं क्योंकि शाम को आए हम, हमारा प्लान एक्चुअली में कुछ और था जो चेंज हो चुका, तो अभी तो ये भाई क्लोजिंग पे लगे हुए हैं। तो यहाँ पे मोमोज मैगी चाय कॉफ़ी वगैरह आपको मिल जाती है, और वो है सामने एंट्री गेट, तो उस एंट्री गेट से आप लोग आते हैं। 10 रुपये बड़े बंदों का चार्ज होता है, तो हम लोग थोड़ा पीछे से आ गए थे तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, और यहाँ से अभी चलते हैं हम टेंपल के सामने। भाई ये देखिए अभी ये गेट है, तो दैया भाई को यहाँ पे लॉक कर दिया है गेट कीपर ने, तो दैया भाई अभी रास्ता ढूंढ रहे कहाँ से जाएंगे दैया भाई। और ये देखो भाई कैमरे से बचने के लिए, तो कोई कॉल आ गई है शायद, तो अभी गेट यहाँ से, ये वाला तो बंद हो चुका है, तो उससे पूछते हैं हम भाई से जो कैफ़े वाला है कि इसका रास्ता कहाँ से है, कहाँ से हम लोग जा सकते हैं। देखो मंदिर है यहाँ से, दीवारों से कूदना तो अच्छा नहीं लगेगा, वहाँ पीछे से तो एक जगह से थोड़ा सा रास्ता बना हुआ है, दीवार वगैरह टूटी हुई है। तो ये देखिए अभी शाम होने वाली है, काफ़ी टेम्परेचर डाउन हो चुका है। तो ये अभी हम पहुंच चुके हैं हडिम्बा देवी टेम्पल पे, यहाँ पे देख सकते हैं आप बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ पे लोकल ट्रेडिशनल जो ड्रेस रहती है हिमाचल की वो डाल के फोटो वगैरह क्लिक करवाते हैं, और उससे लाइफ टाइम की मेमोरी उनकी बन जाती है कि हाँ मनाली गए थे, वहाँ पे लोकल पहाड़ी ड्रेस डाल के हमने फोटोज़ वगैरह क्लिक करवाई थी। और अभी देख सकते हैं काफ़ी सारे टूरिस्ट यहाँ पे आने लगे हैं, यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट अभी टेम्पल के आसपास में घूम रहे हैं, और यहाँ पे दर्शनों के लिए भी अभी ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ता। जब सीज़न होता है उस टाइम पर तो ये मान लो कि यहाँ पे 100 से 200 मीटर 300 मीटर तक लंबी लाइन हो जाती है, यहाँ पे चार चार पांच पांच ऐसे मोड़ दे के उस हिसाब से जो है यहाँ पे लोग लगे रहते हैं दर्शनों में, काफ़ी टाइम लगता है, लेकिन अभी तो आप आए और आते ही आपको यहाँ पे दर्शनों का लाभ मिल जाता है। और सबसे ज़्यादा मान्यता है इस मंदिर की, इस मंदिर के मेन गेट के सामने घटोत्कच टेम्पल भी है, वहाँ भी आप लोग जा सकते हैं, और अभी हम यहाँ से चलेंगे आपको उसी मंदिर के पास। तो ये मेरे पीछे है हडिम्बा देवी टेम्पल, मॉल रोड से पड़ता है लगभग 2 किलोमीटर दूर, तो आप लोग अपनी गाड़ी लेके आ सकते हैं या फिर ऑटो वगैरह से भी आ सकते हैं, ऑटो वाले 100 से 150 रुपये लेते हैं, उसमें 2 से 3 लोग आप इजीली आ सकते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा मान्यता है इस मंदिर की, और यहाँ पे कुलदेवी इनको माना जाता है, और ये यहाँ से फिर मेन गेट के सामने ही है घटोत्कच जी का टेम्पल, और ऊपर वहाँ से थोड़ा दूर श्याम जी का भी मंदिर है श्री श्याम टेम्पल, बट वहाँ लोग कम ही जाते क्योंकि काफ़ी तंग रास्ता हो जाता, आगे DPS स्कूल है यहाँ पे, तो DPS से थोड़ा ऊपर जाके वो मंदिर है, बट ये मंदिर हो गया, और फिर इसके बाद घटोत्कच मंदिर तो सारे ही सारे लोग जाते, तो वो मंदिर भी आपको दिखाएंगे, और उसके बाद देखते हैं फिर कहाँ लेके चलेंगे आपको और क्या साइट सीन करवा सकते हैं। और यहाँ पे अभी तो काफ़ी सारे टूरिस्ट यहाँ पे आए हुए हैं ये देख सकते हैं आप, और शाम के टाइम भी इतनी रौनक अभी यहाँ पे है, तो सोच सकते हैं आप कि कितने टूरिस्ट अभी मनाली के अंदर आ रहे होंगे। तो यहाँ पे काफ़ी सारे अट्रैक्शंस होते हैं, आप लोग खरगोश के साथ रैबिट के साथ फ़ोटो खिंचवा सकते हैं, लोकल ड्रेस में फ़ोटो खिंचवा सकते हैं, याक राइड वगैरह का भी ऑप्शन रहता है, कुछ गेम्स वगैरह भी है, आगे पार्क वगैरह है एक एडवेंचर पार्क सा, तो वहाँ पर कुछ बच्चों की गेम्स वगैरह भी होती है। तो अभी यहाँ से आपको लेके चलते हैं फिर घटोत्कच टेम्पल, यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ की लोकल ड्रेस डाल के जो है फ़ोटो वगैरह क्लिक करवा रहे हैं, तो आप लोग भी जब आते हैं तो यहाँ पे यहाँ की ट्रेडिशनल में ड्रेस में फ़ोटो वगैरह ज़रूर खिंचवाओ, ताकि जब भी आप उन फोटोज़ को देखो आपको मनाली की हिमाचल की याद ज़रूर आए।
तो यहाँ पे बहुत सुंदर लग रहे हैं लोग ये फोटोज वगैरह क्लिक करवा के, और काफी सारे लोग हैं ये देखिए, और यहाँ पे प्रोफेशनल फोटोग्राफर भी रहते हैं तो उनसे आप फोटोज वगैरह भी क्लिक करवा सकते हैं। और ये सामने मेन गेट है जहाँ से टूरिस्ट आ रहे हैं, तो अभी हम मेन गेट के पास चलते हैं और वहाँ से आपको दिखाते हैं वीर घटोत्कच मंदिर। तो ये है हडिम्बा देवी जी टेम्पल का मेन गेट। तो यहाँ पे देख लो भाई, शाम होने को आई है उसके बावजूद भी बहुत सारे टूरिस्ट अभी आ रहे हैं। और यहाँ पे कुछ बुढ़िया के बाल बोलते थे हम लोग तो, शुकर कैंडी शायद, बाकी आप लोग क्या बोलते हैं कमेंट में ज़रूर बताना। तो अभी हम लोग आ गए हैं वीर घटोत्कच टेम्पल के पास, तो ये बिल्कुल मेन गेट के सामने ही है। और अभी शाम को भी देख सकते हैं आसमान में काली घटा है, तो हल्की फुल्की बारिश सुबह शाम हो जाती है, ज़्यादा बारिशें नहीं हो रही आजकल। तो यहाँ से बिल्कुल ये 50 मीटर की दूरी पर है वीर घटोत्कच टेम्पल, और ये टेम्पल एक पेड़ के नीचे ही बना हुआ है जहाँ पे वो पूजा स्थान भी बोलते हैं उसको, तो वहाँ भी लेके चलते हैं आपको। तो ये है घटोत्कच पूजा स्थान, तो जो लोकल हो गए यहाँ पे आके घटोत्कच जी की पूजा करते हैं। ये सामने आप देख भी रहे हैं, तो यहाँ पे जूते वगैरह निकाल के तो फिर आप जा सकते हैं उधर दर्शन करने। और कई बार आप लोग लोकल साइट सीन में पूछते हैं, एक म्यूजियम भी है यहाँ पे, वो भी बिल्कुल इसके सामने है, ठीक, वो है म्यूजियम ऑफ हिमाचल कल्चर एंड फोक आर्ट। ये घटोत्कच मंदिर के बिल्कुल सामने यूटोपिया रिजोर्ट है जिसके अंदर बना हुआ है ये म्यूजियम। तो म्यूजियम का बोर्ड तो यहाँ से छुप गया गाड़ी की वजह से, तो वो तो पीछे वाली क्लिप में भी आपने देख लिया। और अभी बहुत सुंदर ये लग रहा है, ये देखिए यहाँ पे एक और होटल है इसके साइड में, होटल द वेलेरियन, और बहुत सारे अच्छे अच्छे होटल्स इस गली के अंदर भी है। लेकिन जब भी आप इस जगह पे आते हैं ये ध्यान रखें कि रास्ता बहुत तंग है, चढ़ाई बहुत ज़्यादा है, तो होटल वगैरह आप बुक करते हैं तो सोच समझ के करें, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चढ़ाई पे ये गलियाँ हैं इधर। तो हडिम्बा टेम्पल से ओल्ड मनाली के लिए हम लोग हडिम्बा टेम्पल के पीछे से आए DPS स्कूल के पास से, और यहाँ पे जो लेफ्ट में एक अच्छा रास्ता है ये गया लामा डुक को। लामा डुक का ट्रैक बहुत फेमस है और बड़ा पत्थर भी उसके बीच में ही आता है, तो बहुत बार हमने वीडियो डाले हैं। तो आप लोग जब भी गाड़ी लेके आए इस रास्ते को अवॉइड करें तो अच्छा, क्योंकि काफ़ी तंग ये रास्ता है और चढ़ाई है बहुत ही ज़्यादा। तो लामा डुक के 2 से 3 रास्ते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है उससे परमिशन लेके वैसे जाना होता है। कई बार तो लोग ऐसे भी चले जाते हैं, बट परमिशन लेके जाएं तो ठीक रहता है, उसके बाद क्या आपको दिक्कत नहीं आती। और यहाँ पे बहुत सारे लोकल लोग हैं जो ट्रैक कराते हैं वो, तो आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं उस ट्रैक के लिए भी। तो अभी हम पहुँचे हैं क्लब हाउस के अंदर, तो क्लब हाउस में कुछ एक्टिविटीज़ होती है जैसे रिवर क्रॉसिंग हो गया, यहाँ पे शॉपिंग वगैरह आप कर सकते हैं, खाने पीने की चीज़ें हैं, तो काफ़ी कुछ है यहाँ पे लोकल साइड सीन में आता है। तो मेरे को तो पर्सनली ज़्यादा मज़ा आता नहीं, लेकिन आपके साथ छोटे बच्चे हैं या लेडीज़ वगैरह तो आप लोग ज़रूर आ सकते हैं यहाँ पे, आधा 1 घंटा 2 घंटे आप लोग स्पेंड कर सकते हो। यहाँ पे पार्किंग है जहाँ पे आपकी गाड़ी पार्क हो जाती है, और यहाँ से अंदर 30 रुपये होता है एंट्री टिकट, तो एंट्री टिकट लेके आप इसके अंदर जा सकते हो। और यहाँ से नीचे रिवर साइड में बैठने का भी ऑप्शन है जहाँ पे आप लोग रिवर क्रॉसिंग कर सकते हैं, नदी के पास बैठ के अच्छे अच्छे फोटोज़ क्लिक करवा सकते हैं। तो अभी यहाँ से हम लोग चलते हैं ओल्ड मनाली की साइड जहाँ पे कुछ कैफेज़ वगैरह रहते हैं, जहाँ पे लाइव म्यूज़िक वगैरह या रिवर साइड बैठ के आप लोग कुछ खा पी सकते हैं। क्लब हाउस के बाद हम लोग रिवर के साइड में आ गए हैं, तो ये रिवर के ऊपर ब्रिज है जो क्रॉस करके आपको जाना होता है, राइट में क्लब हाउस और लेफ्ट में ओल्ड मनाली। तो यहाँ पे देख सकते हैं शाम के टाइम लाइट जो पड़ रही है इस पानी के अंदर, बहुत ही सुंदर दिख रही है, और ये लाइट आ रही है, कुछ कैफेज़ है यहाँ पे रिवर साइड में, बहुत ही सुंदर सुंदर। ये वो ब्रिज है जो आप क्रॉस करके जाते हैं आगे, राइट में क्लब हाउस और लेफ्ट में ओल्ड मनाली। तो इस करीब ब्रिज से पहले ही हम लोग नीचे उतर गए हैं, तो ये सामने कुछ कैफेज़ वगैरह दिख रहे हैं जहाँ पे बहुत अच्छी लाइटिंग है, बहुत अच्छी डेकोरेशन है, और यहाँ पे आप लोग फूड का मज़ा ले सकते हैं। यहाँ पे लाइव म्यूज़िक वगैरह भी चलते रहते हैं जहाँ पे म्यूज़िक का भी आप मज़ा ले सकते हो। तो शाम के टाइम नदी के संगीत के साथ साथ ये संगीत आपको बहुत रोमांचित करेगा। तो जैसे ही ब्रिज से आप लोग चलते हैं तो देख सकते हैं यहाँ पे कितने सारे टूरिस्ट है, और ओल्ड मनाली की मार्केट बेसिकली यंगस्टर्स के लिए है, फैमिली वालों के हो तो इतना ज़्यादा मज़ा यहाँ पे आता नहीं। ये देख सकते हैं आप, कुछ जो है कॉलेज के लड़के लड़कियाँ यहाँ पे है, और बहुत सारे यहाँ पे कैफ़ेज़ है जहाँ पे ये लोग जो है खाने का म्यूज़िक का मज़ा लेने के लिए आते हैं। तो यहाँ पे तो लाइन है, भरमार है, बहुत सारे यहाँ पे कैफ़ेज़ आपको मिल जाते हैं वैरायटी के साथ। तो ओल्ड मनाली की अतरंगी मार्केट देखिए, यहाँ पे टी शर्ट्स है जिसके ऊपर बहुत यूनिक यूनिक बिल्कुल हटके डिज़ाइंस है। तो दैया साहब भी गए थे यहाँ से, और शायद रेट सुन के वो डर गए हैं, या उनको ये डिज़ाइन पसंद नहीं आए, क्योंकि ये डिज़ाइन पसंद आते हैं ऐसी पीढ़ी को जो इनको परवाह ही नहीं होती लोग क्या बोल रहे हैं क्या सोच रहे हैं।
अब ये देखिए डिजाइन तो बहुत ही प्यारे हैं। तो इसका रेट हमने यहाँ पे पता किया था, तो 2000 से स्टार्ट होके 10000 तक की अलग अलग वेराइटीज़ है। बाकी और भी कई सारी आइटम, ये देखिए छोटे छोटे यहाँ पे, अब आइटम क्या है, ये खतरनाक ही चीज़ है कोई, तो आपको शायद मेरे से ज़्यादा पता होगा जो लोग इस तरह के इंटरेस्ट रखते हैं। और ये देखिए अभी किस तरह डिज़ाइन तो बहुत ही खतरनाक, बहुत प्यारे प्यारे डिज़ाइंस है। तो जिनको दुनिया की परवाह नहीं कुछ भी डालना, तो उनके लिए तो ये काफ़ी अच्छी जगह है। तो आप लोग यहाँ से कुछ ना कुछ ले सकते हैं। तो हम पहुँच चुके हैं भाई दहिया साहब की फेवरेट जगह पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कितनी सारी आइटम्स तरह तरह की यहाँ पे मिलती है। ये मार्केट है यहाँ की, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो क्लाइंट आता है वो आता है या तो फॉरनर टूरिस्ट या फिर जो यंग ब्लड है, क्योंकि उनको अच्छी लगती है यहाँ की नाइट लाइफ, यहाँ पे घूमना, तरह तरह के ये कपड़े वगैरह डालना, फिर बैठ के जो है लाइव म्यूज़िक का मज़ा लेना। मैं तो कई बार आता हूँ बस ऐसे ही किसी के साथ आ गया और बस परेशान हो गए चले गए। यहाँ पे कई लोग तो ऐसे दिखते हैं बस क्या ही बोले, दिखाएंगे वो भी अगर मौका लगता है तो। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कितने तरह के यहाँ पे हैंड बैग्स वगैरह है, स्मॉल बैग्स है, कुछ बहुत तरह तरह के डिज़ाइन आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। तो ओल्ड मनाली का अलग ही क्लाइंट है, अलग ही तरह के टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं। ये देखिए अभी बहुत सारी हैंडीक्राफ्ट की शॉप है, कुछ यहाँ पे कैफेज़ वगैरह है, और कैफ़े की टाइमिंग भी बड़ी ख़तरनाक है। ये देखिए 8 AM to 3 AM, सुबह 3 बजे तक यहाँ पे आप लोग पार्टी का मज़ा ले सकते हैं। बहुत सारे कैफेज़ है, कैफ़े 97 है, 1987 जो ये हम आपको दिखा रहे हैं, और हुक्का वगैरह यहाँ पर आम है। और यहाँ पर ऊपर भी काफ़ी सारे कैफ़े हैं, ये कॉर्नर पे है लेजी डॉग, काफ़ी नाम है इसका, तो बहुत तरह के कैफेज़ वगैरह है। तो किसी दिन अगर हो कोई हमारे साथ पार्टी वाला बंदा आया तो उसके साथ जाके फिर प्रॉपर वीडियो बनाएंगे इन कैफेज़ वगैरह की, जिससे आपको और अच्छे से इस जगह के बारे में आइडिया लग जाए। तो अभी हम नीचे जा रहे हैं और मॉल रोड की ओर जाते हुए लेफ्ट में आता है फ्लाई डाइनिंग। तो ये भी एक अलग एक्सपीरियंस होता है, काफ़ी ज़्यादा हाइट पर जब आप फूड का मज़ा लेते हैं, तो इनका पैकेज होता है मेरे ख्याल से 4 से 5 हज़ार पर पर्सन, जिसमें खाना म्यूज़िक काफ़ी सारी चीज़ें इंक्लूड रहती है, और काफ़ी अच्छी डेकोरेशन कर रखी होती है यहाँ पे। ये देखिए अभी तो खाली पड़ा है क्योंकि टूरिस्ट वगैरह बहुत कम है, अदरवाइज काफ़ी जो है म्यूज़िक चला होता है, बड़ा रंगीन मौसम बना होता है यहाँ पर। अभी पहुँच चुके हम मॉल रोड के पास और देख सकते हैं भाई काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक है अभी यहाँ पर तो। और अभी हमने पायलट अपना चेंज कर दिया है, पहले ड्राइवर था इस गाड़ी पर क्योंकि मैं चला रहा था, और अभी पायलट है क्योंकि दिया भाई आ चुके ड्राइविंग सीट पर। और ये देख सकते हैं कितना रश है अभी, 7 बज के लगभग 20 मिनट हो गए हैं और उसके बावजूद भी काफ़ी ज़्यादा रश होता है यहाँ पे। तो 9 साढ़े 9 बजे तक तो अच्छी खासी चहल पहल होती है यहाँ पे। और ये देखिए अभी जैसे ही मॉल रोड पे आए सांस घुटने लगा है, ट्रैफिक हॉर्न की आवाज़, डीजल पेट्रोल का धुआँ, तो यह सब चीज़ें होती है मॉल रोड पर। लेकिन यह है एक बार तो आना आपका मॉल रोड पर बनता ही है जब भी आप आते हैं। तो ये अभी हम पहुंच चुके हैं मॉल रोड के पास। तो ये मॉल रोड का रामबाग चौक है सामने, और यहीं से रास्ता जाता है हडिम्बा टेंपल और ओल्ड मनाली का। और यहाँ पे लेफ्ट साइड में होटल कुंजुम है जो कि गवर्नमेंट का है, हिमाचल गवर्नमेंट टूरिज्म के अंडर में आता है। तो आप लोग यहाँ पे भी रूम बुक कर सकते हैं, चार्जेज वगैरह आपको ऑनलाइन इसके पता चल जाते हैं। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है अगर आपको बिल्कुल प्रॉपर मॉल रोड पे होटल चाहिए। बाकी काफ़ी सारे होटल हैं, बट अगर आपको शांति चाहिए, बढ़िया लोकेशन पे होटल चाहिए, तो आप लोग जो है मॉल रोड से 2-3 किलोमीटर दूर दूर होटल करें, वहाँ पे आपको अच्छे व्यू भी आएंगे, शांति भी मिलेगी। और ये देखिए अभी हम लोग मॉल रोड के सेंटर में हैं, ये सामने कुंजुम पास कुंजुम होटल जो है उसके साइड में मनाली मोमोज है। तो नाम तो काफ़ी सुंदर है इसका, बट टेस्ट ठीक ठीक है, बहुत अच्छा नहीं कह सकते हम। और इसके पास में ये कुछ जूस वगैरह की शॉप्स है। तो यहाँ पे क्या होता है कि मेन मार्केट जो रहती है, मेन जो चौक है, उससे आप जितना अंदर जो है गलियों में एक्सप्लोर करोगे, और गलियों में भी आप लोग लोकल लोगों से पूछो तो वो ज़्यादा अच्छे से आपको बता पाएंगे। और ये देखिए सामने सत्यम रेस्टोरेंट है, वेज फूड अगर आप लेते हैं तो काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। और यहाँ पर इसके साइड में फिर शेरे पंजाबी, तो काफ़ी तरह के यहाँ पर रेस्टोरेंट्स वगैरह, फूड कॉर्नर्स वगैरह मिलते हैं। और यहाँ पे मॉल रोड पे शूटिंग वगैरह भी चल रही थी, तो बहुत से लोग मनाली प्री वेडिंग, पोस्ट वेडिंग, इस तरह के तरह तरह के शूट आजकल चले हुए हैं, और लोग कुछ अपनी वीडियो बना रहे हैं, कुछ लोग व्लॉगिंग कर रहे हैं। तो मनाली का क्लाइमेट ऐसा है, आप लड़की हैं लड़के हैं,
किसी भी तरह यहाँ घूमो, किसी भी तरह वीडियो बनाओ, कोई परेशानी नहीं होती। आप लोग मज़े से यहाँ पे घूम सकते हैं। कोई ये स्केच आर्टिस्ट भी है, ये देखिए कितने अच्छे अच्छे स्केच जो है इन्होंने बना रखे हैं, विराट कोहली, अनुष्का का, और भी काफ़ी सारे हैं। तो यहाँ पे गलियों में बहुत सारी जो है शॉप्स मिलती है। तो आप गूगल की बजाय अगर किसी लोकल बंदे से पूछो कि भाई खाने में क्या चीज़ें अच्छी है, कहाँ से शॉपिंग करनी चाहिए, तो मेरे हिसाब से वो गूगल से अच्छा आपको बता पाएगा। और ये है दुर्गा मंदिर जो कि बिल्कुल मॉल रोड पे ही है। तो यहाँ पे भी हम लोग होते थे तो पूरा का पूरा रोड खाली नज़र आता था, लेकिन आज आप देख सकते हैं रोड तो दिखाई नहीं दे रहा। कहते हैं कि ऊपर से कुछ फेंकेंगे ना बस लोगों के सिरों पे ही लगेंगी, मतलब बीच में बिल्कुल भी गैप नहीं है। इतने सारे टूरिस्ट अभी आ गए हैं मनाली के अंदर, ये देख ही रहे अभी, क्योंकि नॉर्मली हम लोग ये जगह से काफ़ी बार क्लिप्स लेते हैं तो रोड ही रोड नज़र आता है, टूरिस्ट बहुत कम नज़र आते, बट आज तो फुल है बिल्कुल मॉल रोड। और ये सामने कैफ़े 1986 है, ये ग्लोबल होल्डेज है जहाँ से आप लोग बस की बुकिंग करा सकते हैं। ये कश्मीर वगैरह की कुछ शॉप्स है जहाँ पे कुछ कश्मीरी हैंडलूम वगैरह आप ले सकते हैं। तो काफ़ी सारी वेराइटी है यहाँ पर, और अभी रोड्स वगैरह तो सारे ओके हैं, कोई ज़्यादा दिक्कत है नहीं। हालांकि आज जितनी भी बसें आई थी वो काफ़ी लेट आई है, तो जितने भी आज टूरिस्ट आए हैं ना, और अक्सर मनाली के अंदर हो रहा है कि जैसे ही टूरिस्ट बढ़ता है तो कुछ ना कुछ दिक्कत आ जाती है। आज भी जो है मंडी के पास बसें फंसी रही 7 से 8 घंटे के करीब। 7 बज के हुए अभी 30 मिनट लगभग, और हम हैं लेव के अंदर। तो यहाँ पे भाई टूरिस्ट ने आना चालू कर दिया है, तो जो लोग बारिश से डरे हुए हैं वो घर में बैठे रहो, और बाकी लोग जितने भी है यहाँ पे, ये देखिए अभी कितना टाइम यहाँ पे लग रहा है हमें। तो ये यूपी नंबर की गाड़ी है, और आगे भी देख सकते हैं मोड़ पे कितनी सारी गाड़ियाँ आगे आगे चली हुई है, तो काफ़ी ज़्यादा रश होने वाला है। यानी हम पहुँचने वाले उसके बाद भी ट्रैफिक कितना लगा हुआ है ये देख सकते हैं। तो अभी ट्रैफिक बढ़ने लगा है और लोग ऑलरेडी लेट कर चुके अपना टूर। अब और लेट ना करो, नहीं तो फिर आप लोग आएंगे क्रिसमस और न्यू ईयर पे, और उसके बाद ऐसे कानों के हाथ लगा के जाएंगे, कोहनियों तक के हाथ जोड़ के जाएंगे कि दोबारा मनाली नहीं आना। तो मनाली अच्छी जगह है, लेकिन उसके लिए आपको सही टाइम पे आना पड़ेगा, नहीं तो बहुत लोग कंप्लेंट करते हैं ट्रैफिक है जी, घूम नहीं पाए, ये नहीं है वो नहीं है, तो गलत टाइम पे आने की वजह से होता है। अगर सही टाइम पे आ पाएंगे तो ज्यादा दिक्कतें नहीं होती। हर चीज का, हर जगह का अपना एक सही टाइम होता है। 8 बज के हुए 45 मिनट, और हम लोग मनाली मॉल रोड से लगभग 4 किलोमीटर के आसपास आ गए हैं। तो ये यहाँ से शुरू गांव शुरू होता है, और अभी देखिए भाई ट्रैफिक कितना लगा हुआ है। तो आज तो बस ट्रैफिक ने हद कर रखी है, ये देखिए बहुत ज़्यादा ट्रैफिक अभी लगा हुआ है। तो घर पहुँचने में अभी कितना टाइम लगेगा कुछ कह नहीं सकते, धीरे धीरे चलाते हो। तो आजकल दो तरीके से ट्रैफिक होता है, एक तो जो है टूरिस्ट आ रहे उनका ट्रैफिक है, और थोड़ा सा इस टाइम पे एप्पल का सीजन होता है, तो एप्पल के सीजन की वजह से क्या होता है कि बहुत सारे ट्रक्स लोड हो रहे होते हैं, तो उस वजह से क्या होता है कि साइड में से गाड़ी निकलने की जगह नहीं रहती पासिंग वगैरह की, दो गाड़ियां एक साथ निकल सके, तो वन वे करके गाड़ियां निकलती, उस वजह से काफी ज्यादा जो है दिक्कत आती है। तो भैया अभी मॉल रोड से हमें लगे लगभग 1 घंटा 30 मिनट घर तक पहुंचने में, 9 किलोमीटर का डिस्टेंस था, और अभी टूरिस्ट काफी आने लगे। टूरिस्ट के साथ साथ यहाँ पे जो भी ट्रक वगैरह लोड होते हैं सेब के, उनमें भी काफी टाइम लग जाता है, क्योंकि उनके साइड में से जगह नहीं बचती, कई बार दो दो गाड़ियां एक साथ निकल जाए, तो उस वजह से काफी ज्यादा टाइम लगा है। तो बाकी दिल्ली और चंडीगढ़ से जो बसें चली थी, तो रात को क्या हुआ था कि मंडी के पास काफी ज्यादा काम चला हुआ है रोड पे, वहां पे रोड बनाया जा रहा है, रोड को चौड़ा किया जा रहा है, तो उस वजह से काफी दिक्कतें है। एक दो पॉइंट है वहां पे 7 मील और 9 मील, और ये दिक्कत आज से नहीं है, बारिश की वजह से नहीं है, ये दिक्कत तो कंटिन्यू ही चली है वहां पे, केवल 2 ही पॉइंट है, और लगभग 2 साल से हम लोग परेशान है। जितने भी टूरिस्ट आते हैं सारे परेशान होते हैं, सीजन में भी मई जून में भी बहुत ज्यादा वहां पे टाइम लगता था। तो अभी बारिश से ज्यादा घबराने वाली बात तो है नहीं, क्योंकि बारिश की वजह से कोई लैंडस्लाइड, कोई बाढ़ वगैरह इस साल बिल्कुल भी नहीं आया है। जो 1.5 महीना पहले दिक्कत आई थी 24-25 जुलाई के आसपास, वो ऊपर एक दो ग्लेशियर टूट गए थे जिस वजह से नदी के अंदर काफी पानी आ गया था, और उस वजह से रोड टूट गया था मनाली का। बाकी ऑलमोस्ट रोड सारे के सारे सही है, मनाली से रोहतांग पास, कसोल, मणिकर्ण, स्पीति, चंद्रताल, काजा, बारालाचा, लेह लद्दाख, सारे के सारे रोड खुले, किसी तरह की दिक्कत किसी भी रोड पे नहीं है, सारे के सारे ट्रैक्स ओपन है। आप ट्रैक करो, ब्रिगुलेक करो, ब्यासकुंड करो, अमटा पास करो, जोगनी करो, तो किसी तरह की दिक्कत है नहीं। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा
कितना यूजफुल लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और हमने बोला था कि कुछ हमारे जितने भी सब्सक्राइबर है जो कंटिन्यू प्यार देते हैं तो उनके नाम भी एक दो दिन में हम लोग कुछ अनाउंस करने वाले और उनके लिए कुछ ऑफर बहुत जल्द लेके आएंगे। तो खूब सारा प्यार दीजिए, अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिए, बाकी अपना ख्याल रखिए, और हम लोग जल्द मिलते हैं आपसे किसी सुंदर सी लोकेशन के साथ, कोई नई अपडेट के साथ।